टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, रोहतक में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बताएं कि दो बाइक सवारों ने वारदात को अंजाम दिया है। तो हत्या की वजह का हालांकि अभी खुलासा नहीं हो पाया है। खिड़वाड़ी गांव में अपने प्लाट में ये शख्स गया था, वहीं पुलिस और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची है, यानी कि इस पूरे मामले को देखते हुए जांच भी की जा रही है। आपको बताएं कि रोहतक में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दो बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि आपको बताएं कि हत्या की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्या किस वजह से की गई है। तो ये भी जानकारी सामने आई है कि वो अपने गांव में प्लॉट में गया था, उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस और एफएसएल की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। हमारी डायल 112 पर कॉल आई थी, कॉल आते ही डायल 112 पहुंची है। पहुंचते ही उन्होंने हमारे एसएचओ को और मुझे सूचना करी, हम मौके पर पहुंचे हैं। एफएसएल टीम आई है और जांच कर रहे हैं, मेट्रो इन्वेस्टिगेशन है। घटनास्थल पे हमने दो लाइव कार्टेज और तीन एमटी खोल मिले, एमटी मिले हैं, और उसके भाई वेद प्रकाश की स्टेटमेंट पे हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि अभी तक हमारा किसी से रंजिश का तो है नहीं, लेकिन मेट्रो इन्वेस्टिगेशन है। तो आपको बता देते हैं कि इसी मामले को देखते हुए हालांकि इस हादसे को अंजाम क्यों दिया गया इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि इस पूरे मामले को देखते हुए, इस पूरे प्रकरण को देखते हुए पुलिस इस मामले की गहनता से जांच भी करेगी। दो बाइक सवारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, तो हत्या की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बताएं कि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि शख्स अपने प्लॉट में गया था, उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस और एसएफएल की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है। दो बाइक सवारों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। गांव में अपने प्लॉट में गया था ये शख्स। हालांकि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पुलिस इस मामले को देखते हुए गहनता से जांच कर रही है। हालांकि अब देखना ये है कि इस मामले को देखते हुए क्या कुछ सामने आता है। उधर